हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू इजी स्कूल क्लासेस अब इस वीडियो से हम करेंगे शुरू चैप्टर नंबर टेन साइंस में जो कि है ग्रेविटेशन ठीक है सो ग्रेविटेशन सब्जेक्ट को स्टार्ट कर रहे हैं ग्रेविटेशन का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको पूरा थ्योरी समझाऊंगा इस चैप्टर की और जितने भी एन के सॉल्ड एग्जाम्पल्स हैं उसको हम सॉल्व करेंगे तो शुरू करते हैं क्या लिखा है मैंने यहाँ पे द अर्थ अट्रैक्ट्स और पुल्स ऑल द ऑब्जेक्ट्स टूवर्ड्स इट्स सेंटर देखो इसका मतलब क्या होता है सपोज हमारे पास ये ग्राउंड है और यहाँ पे एक बॉल पड़ी है अभी तो इस बॉल के ऊपर कुछ भी नहीं हो रहा ठीक है ना? अगर आप इस बॉल को ऊपर की तरफ फेंको तो क्या ये ऊपर ही रह जाती है नहीं बॉल क्या करती है बॉल नीचे आ जाती है बॉल कम्स डाउन अब बॉल नीचे क्यों आ रही है क्योंकि जो अर्थ है अर्थ बॉल को अपनी तरफ खींच रहा है पुल कर रहा है तो ये चीज मैंने यहाँ पे लिखी है द अर्थ अट्रैक्ट और पुल्स ऑल द ऑब्जेक्ट्स टूवर्ड्स इट्स सेंटर हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है अर्थ ठीक है सो दैट इज हाउ द ग्रेविटी वर्क्स नाउ द फोर्स ये जो फोर्स लग रही है जो इस बॉल को अपनी तरफ खींच रही है किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रही है उसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर ग्रेविटी सो द फोर्स विद विच अर्थ पुल्स ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स इट इज कॉल्ड एज द ग्रेविटेशनल फोर्स और सिंपली ग्रेविटी तो यहां पे हमने दो टर्म सीखी है पहले ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है वो फोर्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ की तरफ खींचती है तो यहां पे जो फोर्स लग रही होगी ना ये ये कौन सी फोर्स होगी ग्रेविटेशनल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स नाउ अकॉर्डिंग टू न्यूटन एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद ए सर्टेन फोर्स और विच इज कॉल्ड एस ग्रेविटी मतलब इसका मतलब क्या है कि न्यूटन ने कहा था कि अगर दो बॉल्स हैं अस से बॉल वन एंड बॉल टू तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगी मतलब बॉल वन विल पुल दिस बॉल टू एंड बॉल टू विल पुल दिस बॉल वन और ये जो फोर्स है सिंपली ये है ग्रेविटी मतलब हर ऑब्जेक्ट की अपनी एक ग्रेविटेशनल फोर्स है ग्रेविटी है जिससे वो दूसरे ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ पुल करता है बट जो अर्थ है उसका मास इतना ज़्यादा होता है कि उसकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बहुत ज़्यादा होती है इसलिए वो दूसरे ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ पुल कर लेता है नाउ द मास लॉ विच इज कॉल्ड एज द लॉ ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब इस सिंपली इसमें देखो क्या कहा गया है कि अगर मास कम होगा इफ मास इज लो देन द ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑल्सो लो सो दैट मीन्स मास इज इन्वर्सली प्रपोर्शनल टू द ग्रेविटेशनल फोर्स हम सिंपली ये कह सकते हैं कि जो मास है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्वर्सली प्रपोर्शनल होते हैं ठीक अब देखते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है ना अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एवरी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी विद फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासिस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम ठीक है सो एक्चुअली दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यहाँ पर मैंने गलत लिख दिया सो मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ग्रेविटेशनल फोर्स जी ठीक है क्योंकि यहाँ पे हमने क्या लिखा था कि मास कम है तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी कम है अब देखो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कह रहा है इसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं किसके ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेज दोनों ऑब्जेक्ट के मासिस के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके स्क्र ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैन सो so, ये दो चीजें आपको याद रखनी है अब इसमें हम एक फार्मूला ड्राइव करेंगे जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट को लेके ठीक है सो अस से so, हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी और इन दोनों के जो बीच का डिस्टेंस है वो है आर अब हमने यहाँ पे देखो इससे क्या कहा जो पहली चीज थी कि जो फोर्स होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके दोनों के प्रोडक्ट ऑफ मासेस यानी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम वन इन टू एम टू सपोज इसका मास था एम वन और इसका मास है एम टू ठीक है एक चीज तो ये हो गई सेकंड हमने कहा था इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा दोनों के बीच के स्क्वेयर का दोनों के बीच जितना डिस्टेंस है उसके स्क्वेयर का यानी एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन ओवर आर स्क्वेयर नाउ बाय यूजिंग दिस टू वी कैन से दैट एफ इज इक्वल्स टू जी एम वन एम टू डिवाइडेड बाई आर स्क्वेयर यहाँ पे जो जी है वो है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट ठीक है सो दिस जी इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ठीक है सो इतना आपको क्लियर है अभी कि क्या हो रहा है यहां पे, सो वी जस्ट हैव फाउंड द फॉर्मूला फॉर द फोर्स विच इज एक्टिंग बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, वो है जी एम वन एम टू ओवर आर स्क्वायर। चलो आप कुछ एनसीआरटी के सोल्ड uh, एग्जाम्पल्स को देखते हैं कि कैसे उनका आंसर निकलेगा कैसे उनका सॉल्यूशन निकलेगा सो एन सी आटर टी को सॉल्व करने से पहले मैंने यहाँ पे तीन और क्वेश्चंस लिखे हुए हैं इनको देख लेते हैं आपको जरूर ये हेल्प करेंगे आपके एग्जाम्स में पहला है व्हाट हैपन्स टू द वैल्यू ऑफ f इन द फॉलोइंग कंडीशंस पहले लिख लेते हैं f का फॉर्मूला f क्या होता है g m1 m2 टू ओवर आर स्क्वायर अब क्वेश्चन कह रहा है कि डिस्टेंस डबल हो गया है डैट मीन्स आर कितना हो गया टू आर तो एफ कितना हो गया नए केस में एफ कितना हो गया जी एम वन ओवर टू आर का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू जी एम वन एम टू ओवर फोर आर स्क्वायर या इसको इसको मैं क्या कह सकता हूँ देखो जो ये टर्म है अगर मैं फोर को हटा देता हूँ तो ये जो टर्म है ये किसके बराबर है इट इज़ इक्वल्स टू दिस एफ़ तो हम कह सकते हैं ना दैट एफ वन इज इक्वल्स टू एफ ओवर फोर एफ वन इज इक्वल्स टू एफ ओवर फोर सो दैट मीन्स अगर डिस्टेंस डबल हो जाएगा तो जो फोर से एफ वो वन बाई फोर्थ हो जाएगी ठीक है सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन सेकंड देखते हैं अब अगर डिस्टेंस हाफ हो जाए सो अगेन एफ वन इज इक्वल्स टू जी एम वन एम टू अब आर हो गया आर बाई टू सो आर बाई टू का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू जी एम वन एम टू ओवर आर स्क्वेर ओवर फोर यह कितना हो गया फोर जी एम वन एम टू ओवर आर स्क्वेर अगेन जो ये चीज है ये किसके बराबर है ये ओरिजिनल फोर्स एफ के बराबर है सो दैट मीन्स एफ वन इज इक्वल्स टू फोर टाइम्स एफ तो हम कह सकते हैं कि अगर डिस्टेंस हाफ कर दोगे तो जो फोर्स है वो कितनी हो जाएगी फोर टाइम्स सो दीज आर द टू क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है सिंपल ये बता रहा है कि जो फोर्स है और डिस्टेंस है उसका क्या रिलेशन है अब बात करते हैं कि जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसकी यूनिट क्या होती है सो so, यूनिट निकालते हैं हम देखो कितना है एफ है जी एम वन एम टू ओवर आर स्क्वेयर और जी किसके बराबर हो गया मैं जी को यहाँ ले जाता हूँ तो ये हो गया एफ आर स्क्वेयर ओवर एम वन एम टू अब देखो ऐसा यूनिट जी की कितनी आ गई एफ की यूनिट कितनी होती है न्यूटन रेडियस या डिस्टेंस कि कितनी होती है मीटर यानी मीटर स्क्वेयर स्क्वेयर है डिवाइडेड बाय एम वन की कितनी होती है के जी एम टू की भी के जी यानी के जी स्क्वेयर सो न्यूटन मीटर स्क्वेयर ओवर के जी दिस इज द यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट जी Now, अगर जी की वैल्यू की बात करते हो तो जो हम जनरल वैल्यू लेके चलते हैं जी की वो होती है सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन इंटू टेन टू दावर माइनस इलेवन न्यूटन मीटन स्क्ट नो लेट इज सॉल्व अ क्वेश्चन क्वेश्चन है कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन डू टू अर्थ ऑन ए बॉल ऑफ मास वन के जी बॉल का मास है वन के जी लाइंग ऑन ए ग्राउंड और अर्थ का मास हमें दिया हुआ है और अर्थ का रेडियस हमें दिया हुआ है ठीक है so, सो हमें क्या करना है हमें फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन निकालनी है ड्यू टू अर्थ सो देखो अब इसको क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है आपको सब चीजें गिवन है आपको दोनों का मास गिवन है एंड रेडियस भी गिवन है सो सपोज अर्थ बना लेते हैं एक सिंपल अब हमने क्या कहता कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है ड्यू टू सेंटर ऑफ अर्थ तो सपोज दिस इज सेंटर ऑफ अर्थ ये अर्थ का सेंटर है ये अर्थ का रेडियस है आर ई और यहाँ पे हमारे पास एक बॉल है सिंपल सो दिस इज बॉल और इसका मास कितना है वन के जी इसकी वैल्यू हमें गिवन है इस पूरी बॉडी का मास हमें पता है तो हम सिंपल निकाल सकते हैं एफ कितना होता है जी एम वन इंटू एम टू ओवर आर स्क्वेयर सो देखो जी की वैल्यू गिवन है एम वन की वैल्यू गिवन है एम टू की वैल्यू गिवन है एंड रेडियस की भी वैल्यू हमें गिवन है सो so जो रेडियस की वैल्यू है इसको पहले मीटर में कन्वर्ट कर लूंगा कि जो को जो जी की हम देख रहे थे उसमें मीटर स्क्वेयर था तो ये कितना हो जाएगा इट विल कम आउट टू बी सिक्स पॉइंट फोर इंटू टेन टू द पावर सिक्स मीटर सिंपल है ये चीज़ तो अगर टेन टू द्री किलोमीटर था तो कितना हो जाएगा टेन टू द पावर सिक्स मीटर ठीक है सो नाउ पुटिंग द वैल्यूज जी की वैल्यू रखो सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन इंटू टेन टू द पावर माइनस इलेवन इंटू मास ऑफ बॉल इज वन के जी मास ऑफ अर्थ इज 6 into 10 to the power 24 divided by square of this. 6.4 into 10 to the power 6 ka square. So when you solve this, you will get the answer as 9.8 newtons. So you can just simply solve this, and the answer should be come out to be 9.8 newtons. सो नाओ लेट एस सी दॉल्यूशन ऑफ द एग्जाम्पल टेन पॉइंट वन जो कि एन सी आर टी के बुक में पेज नंबर वन थर्टी फोर पे है क्वेश्चन क्या कहता है दे पहले देखते हैं द मास ऑफ अर्थ इज़ सिक्स इंटू टू ट्वेंटी फोर के जी एंड दैट ऑफ द मून इज सेवन पॉइंट फोर इंटू टू ट्वेंटी टू के जी इफ द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून इज थ्री पॉइंट एट फोर इंटू टेन टू दावर फाइव किलोमीटर कैलकुलेट द फोर्स एग्जेड बाई द अर्थ ऑन द मून तो सिंपल हमें क्या दिया है लेटस से दिस इज अर्थ दिस इज मून अर्थ का मास हमें गिवन है अर्थ का मास कितना है सिक्स इंटू टेन टू दावर ट्वेंटी फोर के जी मून का मास हमें कितना गिवन है सेवन पॉइंट फोर इंटू टेन टू द पावर ट्वेंटी टू के जी दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें गिवन है सो द डिस्टेंस डेट इज गिवन इज थ्री पॉइंट एट फोर इंटू टू दावर फाइव किलोमीटर्स जी की वैल्यू गिवन है हमें सिंपली फोर्स निकालनी है सो so फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है जी एम वन इंटू एम टू ओवर आर स्क्वेयर ठीक so है सो जी कितना गिवन है सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन या फिर सिक्स पॉइंट सेवन ले सकते हैं डायरेक्टली सिक्स पॉइंट सेवन गिवन है यहाँ पे सिक्स पॉइंट सेवन इंटू टेन टू द पावर माइनस इलेवन मास ऑफ अर्थ इज सिक्स इंटू टेन टू द पावर ट्वेंटी फोर मास ऑफ मून इज सेवन पॉइंट फोर इंटू टेन टू द पावर ट्वेंटी टू डिवाइडेड बाई स्क्वेयर ऑफ दिस अब देखो यहीं पे गलती होती है कि बच्चे क्या करते हैं कि थ्री पॉइंट एट फोर इंटू टू फाइव लेकर के सॉल्व कर देते हैं बट ये किलोमीटर में गिवन है हमें इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में तो ये कितना हो जाएगा थ्री पॉइंट एट फोर इंटू टेन टू पावर एट मीटर ठीक है सो इस चीज़ का ध्यान रखना सो थ्री पॉइंट एट फोर इंटू टेन टू पावर एट का स्क्वेयर सो दिस इज दिस अब इसके बाद देखो आपको सिंपल इस इसको सॉल्व करना है थ्री पॉइंट एट फोर का स्क्वायर निकालना है एंड देन यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस दिस एंड दिस एंड यू हैव टू डिवाइड इट सो द आंसर दैट शुड कम आउट टू बी टू पॉइंट जीरो वन इंटू टेन टू दावर ट्वेंटी न्यूटन सो दिस इज द फोर्स दैट विल बी एग्जेड बाय द अर्थ ऑन मून तो ये आंसर आएगा इसका ठीक सो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो ये था कि जब अगर किलोमीटर में डिस्टेंस गिवन है तो उसको आपको किस में कन्वर्ट करना है मीटर्स के अंदर तो ये है एग्जाम्पल टेन पॉइंट वन सो चैप्टर में आगे मूव करते हैं नेक्स्ट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अब यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के क्या क्या इंपॉर्टेंस हैं तो ये आपको बेसिकली याद रखना है सो फर्स्ट इज द फोर्स डेट बाइंड अस टू द अर्थ मतलब हम जमीन के ऊपर रुके हुए हैं बाइंड हैं टिके हुए हैं वो किस की वजह से हैं इसी फोर्स की वजह से देन द मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ कि जो मोशन है मून का अराउंड द अर्थ वो भी इसी के कारण होता है देन सिमिलरली द मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन एंड टाइड्स ड्यू टू मून एंड सन ठीक है सो ये कुछ इंपॉर्टेंस है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के देन उसके बाद हम बात करते हैं फ्री फॉल की फ्री फॉल क्या होता है सो द फॉलोइंग ऑफ़ फॉलोइंग ऑफ ए बॉडी फ्रॉम ए हाइट टुवर्ड्स दिस अर्थ अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ इज कॉल्ड एज फ्री फॉल ठीक है सो दैट मीन्स अगर एक कोई बॉल किसी एक हाइट एच से गिरती है टुवर्ड्स अर्थ तो हम कहेंगे दैट द बॉल इज फ्री फॉलिंग ना तो एक्सरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रीली टूवर्ड्स दी अर्थ डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ दी ऑब्जेक्ट ये इंपॉर्टेंट है कि जो एक्सरेशन होगी किसी भी ऑब्जेक्ट की जो फ्री फॉल कर रहा है टूवर्ड्स अर्थ वो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी ठीक है सो दिस इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट अब इसके बाद हम एक चीज देखेंगे जिसको हम बोलते हैं एक्सरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच इज जी और उसका जो फॉर्मूला है वो भी अब इसमें हम कैलकुलेट करेंगे सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल्स टूवर्ड्स दी अर्थ एक्सीलेशन इज इन्वॉल्व कॉल्ड एज ग्रेविटी ठीक है सो देखते हैं कि इसका फॉर्मूला कैसे हम डिराइव कर सकते हैं तो so, हमें पता है फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है जी एम एम ओवर आर स्क्वेयर यहाँ पे जो मास है एम कैपिटल वो है मास ऑफ अर्थ ठीक है अब हमें पता है कि फोर्स क्या होती है एम इंटू ए इट इज़ एक्सेशन तो हम क्या करेंगे इस चीज को यहाँ पे ले जाएंगे इससे रिप्लेस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ गया एम इंटू ए इक्वल्स टू जी एम एम ओवर आर स्क्वेयर सिंपली हम कह सकते हैं एम से एम कैंसिल सो एक्सेलेशन इज़ इक्वल्स टू जी एम ओवर आर स्क्वायर या फिर इस ए को हम डिनोट करते हैं जो ग्रेविटी होती है ग्रेविटी, जिसके कारण एक्सेलेशन होती है ग्रेविटी उसको हम डिनोट करते हैं जी से और वो होता है जी एम ओवर आर स्क्वायर अब आप इस फॉर्मूले में देख सकते हो कि जो एक्सेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जो हम कह रहे हैं कि फ्री फॉलिंग में उसमें मास ऑफ द ऑब्जेक्ट नहीं है मास ऑफ अर्थ है बट मास ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं है वही हमने यहाँ पे कहा था दैट एक्सेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रीली टुवर्ड्स दी अर्थ डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट ये नहीं कहा था कि मास ऑफ द अर्थ पे नहीं करता मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पे नहीं करता तो वही चीज़ हमने यहाँ पे देख रहे हैं ठीक है सो दिस इज इंपॉर्टेंट दिस फॉर्मूला इज इंपॉर्टेंट सो नाउ देर कैन बी ए क्वेश्चन की जी की वैल्यू क्या होगी क्योंकि हमें जी की वैल्यू पता है एम की वैल्यू पता है और आर की वैल्यू पता है रेडियस ऑफ अर्थ दिस इज द रेडियस ऑफ अर्थ सो इस जी की वैल्यू क्या होगी ठीक है रेडियस ऑफ अर्थ सो इस जी की वैल्यू निकालने के लिए जब हमें तीनों वैल्यूज पता है ये तो सिंपली हम पुट कर सकते हैं सो जी विल बी सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन इंटू टेन टू द पावर माइनस इलेवन इंटू सिक्स इंटू टेन टू द पावर ट्वेंटी फोर डिवाइडिड बाई सिक्स पॉइंट फोर इंटू टेन टू दावर सिक्स का स्क्वेयर तो ये जो जी आता है वो आता है नाइन पॉइंट एट मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आगे के न्यूमेरिकल्स में ये डायरेक्टली यूज होगा तो आप इसकी वैल्यू को याद रखो ठीक है सो आपको इसकी वैल्यू याद रखनी है जो कि कितनी है ये 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यू हैव टू रिमेम्बर दिस दिस इज इंपॉर्टेंट ठीक है नाउ द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ हमने थ्री क्वेश्चंस ऑफ मोशन देखी थी अब यहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ के कारण जो मोशन हो रहा है उसके ऊपर है अब यहां पे बेसिकली हमने क्या किया है वी हैव प्लेस्ड दी वैल्यू ऑफ ए विथ जी तो पहले ही क्या है वी इज इक्ल्स टू यू प्लस ए टी होता है तो यहाँ पे हो गया यू प्लस जी टी वहाँ पे क्या था एच इज इक्ल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क् यहाँ पे हो गया एच इज इक्ल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्र एच क्या है जितनी हाइट एक ऑब्जेक्ट अटेन करेगा देन वहाँ पे वी स्क्यर इज इक्ल्स टू यू स्क्वेयर प्लस टू ए एस यहाँ पे हो गया वी स्क्वायर इज इक्ल्स टू यू स्क्वायेयर प्लस टू जी एच सो आपको इन तीनों को याद रखना है जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपको ये वैसे भी याद हो जाएंगी ना वी हैव टू कंसिडर दिस सर्टन पॉइंट्स इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं सबसे पहली बात तो जी इज ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव सो द वैल्यू ऑफ जी इज ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव ना वेन ए बॉडी इज ड्रॉप फ्रीली फ्रॉम ए हाइट फ्रीली मतलब कि कोई आपने फोर्स नहीं लगाई है देन इट्स इनिशियल वेलासिटी इज जीरो ठीक है सो दैट मीन्स अगर एक बॉल है यहाँ पे सपोज एट हाइट एच और ये सिंपली फॉल कर गई फ्री फॉल है कोई आपने एक्सटर्नल फोर्स नहीं एक्सर्ट करी है नो एक्सटर्नल फोर्स तो जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी यू वो होगी जीरो ठीक है सो दिस इज इंपॉर्टेंट देन व्हेन ए बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स ऊपर जब आप फेंक रहे हो तो जो उसकी फाइनल वेलोसिटी होती है वो ज़ीरो हो जाती है दैट मीन्स क्या अगर सपोज यहाँ पे एक बॉल थी और आपने उसको ऊपर की तरफ फेंका और वो कहीं इधर जा करके रुक गई एट लेट से हाइट एच वन तो जो इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी बॉल की जब वो रुक गई वो ज़ीरो होगी ठीक है एंड द टाइम टेकन बाय ए बॉडी टू राइज टू द हाइस्ट पॉइंट इज इक्वल्स टू द टाइम इट टेक्स टू फॉल फ्रॉम सेम हाइट सो दिस इज़ इंपॉर्टेंट टाइम टेकन बाय ए बॉडी टू राइज टू इट्स हाइएस्ट पॉइंट इज इक्वल्स टू द टाइम इट टेक्स टू फॉल फ्रॉम द सेम हाइट सो दैट मीन्स अगर यहाँ तक जाने के लिए इसने टी वन लिया था तो यहाँ से नीचे फ्री फॉल में आने के लिए वो अगर टी टू ले रहा है सो दैट मीन्स T1 will be equals to T2. So ये कुछ important points हैं इसको आपको ध्यान में रखने हैं. So now let us solve some of the solved examples of NCERT. तो ये है example 10.2 of NCERT page number 136 के ये questions हैं. So question came. कार फॉल्स ऑफ ए लेज एक कार थी जो किसी लेज से गिर गई सो लेटेस्ट से वो लेज था यहाँ पे और यहाँ पे कोई एक कार है और वो कार इस लेज के ऊपर से गिर गई एंड ड्रॉप्स टू द ग्राउंड इन जीरो पॉइंट फाइव सेकेंड्स और यहाँ पे सपोज ये ग्राउंड है और यहां तक आने के लिए जो टाइम उसने लिया वो लिया 0.5 पॉइंट फाइव सेकेंड्स अभी कह रहा है कि लेट g इज इक्वल्स टू टेन मीटर पर सेकेंड्स जी की वैल्यू कह रहा है 10 लेके करो सो द क्वेश्चन इज वट इज द स्पीड ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड मतलब इनिशियल तो देखो क्या होगा फ्री फॉल है ना तो इनिशियल तो होगा जीरो हमें निकालना है क्या v सो so पहले क्वेश्चन में वी हैव टू फाइंड v सो so देखो सिंपल है v इज इक्वल्स टू प्लस जी टी सो वी इज इक्वल्स टू यू जीरो है देन जी की वैल्यू क्या है टेन टी कितना है जीरो पॉइंट फाइव सो इट विल कम आउट टू बी फाइव मीटर पर सेकेंड ठीक है नाउ वी हैव टेकन दिस जी वैल्यू एज पॉजिटिव ये जो टेंथ है इसको हमने पॉजिटिव क्यों लिया है क्योंकि जो मोशन है वो टूवर्ड्स द अर्थ हो रहा है डाउनवर्ड्स मोशन है सो so, इसलिए इसको आप पॉजिटिव लोगे ठीक है सो पहला क्वेश्चन का आंसर आ गया फाइव मीटर पर सेकेंड सेकेंड इज वट इज द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग जीरो पॉइंट फाइव सेकेंड तो एवरेज स्पीड क्या होती है यू प्लस वी बाई टू सो एवरेज स्पीड हो गई

दैट इज एच इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर यू जीरो तो ये पूरी टाइम जीरो हो गई सो एच इज इक्वल्स टू हाफ़ जी कितना है टेन टी कितना है ज़ीरो पॉइंट फाइव सो ज़ीरो पॉइंट फाइव का स्क्वेयर तो ये कितना आ जाएगा जीरो पॉइंट फाइव इंटू टेन इंटू ज़ीरो पॉइंट टू फाइव सो इट विल कम आउट टू बी फाइव इंटू जीरो पॉइंट टू फाइव दैट इज वन पॉइंट टू फाइव मीटर ठीक है सो दिस इज दंसर ऑफ थर्ड क्वेश्चन सो सिंपल है क्वेश्चन सिंपल आपने अगर यहां पर डायग्राम बना लिया तो आप सब चीजें सॉल्व कर लोगे नाउ लेट इज सॉल्व एग्जाम्पल टेन पॉइंट थ्री क्वेश्चन क्या है एन ऑब्जेक्ट इज़ थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स अब ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया गया है एंड इट राइजेज़ टू ए हाइट ऑफ टेन मीटर दस मीटर तक जाता है यानी कि अगर ये ग्राउंड मैं मान लेता हूँ यहाँ पे ग्राउंड है और यहाँ से हम एक बॉल को फेंक रहे हैं तो वो जाता है कहाँ तक यहाँ तक सपोज और ये जो डिस्टेंस है वो है टेन मीटर्स नॉट वी हैव टू कैलकुलेट दैलॉसिटी विद विच द ऑब्जेक्ट वॉज थ्रो नो अपर्ड्स डैट मीन्स एक तो यू निकालना है क्योंकि वी तो कितना हो जाएगा जीरो अभी हमने देखा है यहाँ पे पीछे एंड द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच द हाइएस्ट पॉइंट और एक हमें निकालना है टी ठीक है सो तो दो चीज़ें हमें निकालनी है यहाँ पे सो थर्ड इक्वेश्चन का यूज करेंगे वी इज इक्वल स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्र प्लस टू जी एच ठीक है वी तो जीरो है सो यू स्क्र प्लस टू जी एच इज़ इक्वल्स टू जीरो यू स्क्वेयर प्लस टू इन टू अब यहाँ पे देखो जी को आप क्या लोगे अगर आपको नहीं दिया है टेन मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर तो आप क्या इतना लोगे नाइन पॉइंट एट और डायरेक्शन अपवर्ड्स है मोशन अपवर्ड्स है सो दैट मीन्स नाउ यू हैव टू टेक नेगेटिव सो माइनस नाइन पॉइंट एट मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर लेना है इन टू एच कितना आया टेन है हमारे पास ज़ीरो सो यू स्क्वेयर कितना हो गया हमारे पास यू स्क्वेयर इज इक्वल्स टू ट्वेंटी इंटू नाइन पॉइंट एट ठीक है और यू इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ वन नाइन्टी सिक्स फोर्टीन मीटर पर सेकेंड सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ठीक है सिंपल so है कोई मुश्किल नहीं है इसमें सेकंड पार्ट है टाइम निकालना है अब आपको देखो हाइट पता है और यू कैन से आपको इनिशियल स्पीड पता है और आपको हाइट पता है तो आप टाइम निकाल सकते हो कैसे निकालोगे वी इजक्वल्स टू यू प्लस जी टी से और यू इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ जी टी क्योंकि वी तो जीरो है यू कितना था फोर्टीन इज इक्वल्स टू माइनस नाइन पॉइंट एट इंटू टी इज ऑल्सो माइनस माइनस लेना है सो टी इज इक्वल्स टू फोर्टीन ओवर नाइन पॉइंट एट और ये आएगा सॉल्व करके वन पॉइंट फोर थ्री सेकेंड्स सो दीज आर दॉल्यूशंस ऑफ वो एग्जाम्पल टेन पॉइंट टू एंड टेन पॉइंट थ्री बच्चों अब देखते हैं दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ग्रेविटेशन के सब चैप्टर में एक है मास और एक होता है वेट तो so, मास क्या होता है मास ऑफ ए बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ द मैटर कंटेंट इन इट ठीक है सो इट इज द क्वांटिटी ऑफ द मैटर कंटेंट इन इट और इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं दैट इट इज द मेजर ऑफ द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट ठीक है देन ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि मास स्केलर क्वांटिटी होती है डैट मीन्स इसका किसी डायरेक्शन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता ऐसा यूनिट केजी होती है एंड मास ऑफ़ एन ऑब्जेक्ट इज सेम एवरीवेयर वेर इम्पॉर्टेंट है अभी आप देखोगे डिफरेंस मैं आपको बताऊंगा डिफरेंस क्या है यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में बट आपको ये ध्यान रखना है मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेम एवरीवेयर एंड इट इज़ द मेजर ऑफ एनर्जी ऑफ बॉडी वो हम ऊपर ही कह सकें एंड मास कैन नॉट बी ज़ीरो किसी भी बॉडी का जो मास है वो ज़ीरो नहीं हो सकता ये भी इम्पोर्टेंट है अब जबकि हम बात करते हैं वेट की तो वेट क्या होता है वेट ऑफ एन बॉडी इज द फोर्स इट इज दोर्स बाई विच इट इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स देंटर ऑफ द अर्थ और इसका जो फॉर्मूला है दैट इज डब्ल्यू इजिकल्स टू मास इन टू जी जी के एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी सो वेट क्या वेट है बेसिकली फोर्स जिसके कारण कोई भी बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होता है और इसकी ऐसा यूनिट होती है न्यूटन ठीक है अब देखो इस क्वेश्चन में देखते हैं एक क्वेश्चन हमने लिया है वो है शो दैट द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून इज वन सिक्स ऑफ इट्स वेट ऑन अर्थ ठीक है सो वेट ऑन मून कितना होगा अ वेट के फोर्स फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है जी मास ऑफ मून इंटू मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट सपोज डिवाइडिड बाई रेडियस ऑफ मून ठीक है अब हम कह रहे हैं ये तो हो गया वेट ऑन मून नाउ वेट ऑन अर्थ वो कितना होगा जी मास ऑफ अर्थ इन एम ओवर रेडियस ऑफ अर्थ ठीक है इतना क्लियर हुआ आपको सो so, अब इसके बाद हमें क्या करना है वी हैव टू सी द वैल्यूज़ और उसके बाद हमें इसे सॉल्व करना है सो so, यहाँ पे क्या होता है ये स्क्वेयर है पता है हमें दिस इज ऑल्सो स्क्वेयर तो सिंपली डिवाइड करो डब्ल्यू एम को डब्ल्यू ई से तो कितना आया जी मास ऑफ मून इंटू एम ओवर आर एम स्क्वेयर डिडेड बाई जी मास ऑफ अर्थ इंटू एम ओवर आर ई स्क्र जो जो चीज़ें कैंसिल हो रही इनको कैंसिल कर दो जी से जी कट जाएगा एम से एम कट जाएगा तो ये कितना आ गया बेसिकली एम एम ओवर आर एम स्क्र और अगर मैं इसको उल्टा यहाँ पर ले जाऊँ तो ये कितना हो जाएगा आर ई स्क्वेयर ओवर एम ई अब अगर मुझे रिलेशन पता हो किस किस का मास ऑफ अर्थ का मास ऑफ मून से ऑफ और रेडियस ऑफ अर्थ का रेडियस ऑफ मून से तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ तो जो रिलेशन है वो मैं आपको बता देता हूँ आप याद रख लीजिए जो मास ऑफ अर्थ इज हंड्रेड टाइम्स मास ऑफ मून एंड रेडियस ऑफ अर्थ इज़ फोर टाइम्स रेडियस ऑफ मून सो यू नीड टू रिमेंबर दिस टू पॉइंट्स ठीक है इन दोनों पॉइंट्स को याद रखिए अब देखो हमें क्या करना है सिंपली इनकी वैल्यूज को चेंज करना है सो मास एम ई की जगह हंड्रेड एम एम इन आर ई की जगह फोर आर एम सो ये एम mm एम से एमएम mm कट गया आराम से आराम कट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा बेसिकली इट विल कम आउट टू बी फोर का स्क्वायर दैट इज सिक्सटीन ओवर हंड्रेड ठीक है सो इट विल कम आउट टू बी सिक्सटीन ओवर हंड्रेड और अगर आप इसको सिंपली सॉल्व करोगे तो ये राउंड अबाउट कितना आएगा राउंड अबाउट इट विल कम आउट टू बी वन ओवर सिक्स सो दिस इज़ प्रूफ इस तरह से आप इसको प्रूफ कर सकते हैं ठीक है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कई बार डायरेक्ट पूछते हैं सो यू नीड टू नो दिस टू वैल्यूज ठीक है सो नाउ लेट अस सॉल्व एग्जांपल्स ऑफ एनसीईआरटी और ये है पेज नंबर 138 के क्वेश्चंस एग्जांपल 10.4 और 10.5 देखो सॉल्व एग्जांपल से भी बहुत कुछ टॉपिक को समझने में मदद मिलती है तो इनको सॉल्व करना जरूरी है क्वेश्चन क्या है द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 10 केजी वट इज इट्स मास ऑन अर्थ और वट इज इट्स वेट ऑन अर्थ मास गिवन है हमें सिंपल वेट निकालना है सो देखो मास एम कितना गिवन है टेन के जी और वेट क्या होता है वेट होता है एम इंटू जी और जी क्या होता है एक्सेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्सेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी और इसकी वैल्यू कितनी होती है नाइन पॉइंट एट मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर सो वेट कितना आ गया टेन इंटू नाइन पॉइंट एट विच इज इक्वल्स टू 98 एट न्यूटन सो द वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इज 98 एट न्यूटन ठीक है सेकंड क्वेश्चन इज एन ऑब्जेक्ट वेट 10 न्यूटन वेट गिवन है वेन मेजर ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ अर्थ के ऊपर दो दस न्यूटन है वट वुड बी द वेट वेन मेजर ऑन द सर्फेस ऑफ मून सो जैसा कि हमने पीछे भी प्रूफ किया है कि वेट ऑफ ऑब्जेक्ट सो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून इज कितना होता है वन बाई सिक्स ऑफ वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ पीछे प्रूफ किया ही अभी हमने है ना तो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून कितना आ जाएगा वन बाई सिक्स ऑफ कितना है टेन न्यूटन सो इट विल बी वन पॉइंट सिक्स सेवन न्यूटन दिस इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन सिंपल है आपको सिंपल एक जो फैक्ट है वो पता होना चाहिए और वो फैक्ट क्या है कि वन बाई सिक्स होता है सो दीज आर दोल्यूशंस ऑफ एग्जाम्पल टेन पॉइंट फोर एंड टेन पॉइंट फाइव सो द नेक्स्ट टॉपिक इज थ्रस्ट एंड प्रेसर सो थ्रस्ट क्या होता है इट इज द फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन ए बॉडी परपेंडिकुलर टू द सर्फेस ठीक है सो इट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस सो फॉर एग्जांपल अगर मैं ये सरफेस मानते हैं और मैं एक ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ इस तरह से तो आप देख सकते हो कि जो फोर्स है वो कैसे लग रही है इस सरफेस के परपेंडिकुलर लग रही है तो ये एक थ्रस्ट हो गया नाउ व्हाट इज़ द प्रेशर प्रेशर इज़ द थ्रस्ट ऑन अ यूनिट एरिया कि आप एक गिवन एरिया के ऊपर कितना थ्रस्ट लगा रहे हो कितना फोर्स लगा रहे हो उसको हम बोलते हैं प्रेशर तो जैसे कि अगर मैं कहता हूँ कि मैं अपने थम से इसके ऊपर प्रेशर डाल रहा हूँ तो ये होगा कि इस सरफेस एरिया के ऊपर मैं कितने एरिया के ऊपर प्रेशर डाल रहा हूँ सो दैट इज़ अप्लाइंग ए फोर्स ऑन दिस पर्टिकुलर एरिया दैट इज़ प्रेशर तो जो थ्रस्ट की ऐसा ही यूनिट होती है वो होती है न्यूटन क्योंकि वो सिंपल फोर्स अप्लाई करना है और जबकि जो प्रेशर की ऐसा ही यूनिट होती है वो होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्योंकि वो एरिया के ऊपर अप्लाई होता है सो नाउ लेट अस सॉल्व सोल्ड एग्जाम्पल फ्राम एन सी आर एग्जाम्पल है टेन पॉइंट सिक्स और ये गिवन है पेज नंबर वन थर्टी नाइन पे एन के सो पेज नंबर वन थर्टी नाइन सो पहले क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन में दिया है क्या है और फिर देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है क्वेश्चन में दिया है अ ब्लॉक ऑफ वुड इज कैप्ट ऑन ए टेबल टॉप कि टेबल का टॉप है सपोज़ हम कुछ इस तरह से बना लेते हैं दिस इज़ अ टेबल टॉप और इस टेबल टॉप के ऊपर एक ब्लॉक ऑफ वुड रखा हुआ है अभी बनाएंगे कैसे रखें ना तो मास ऑफ दुडन ब्लॉक इज़ फाइव के जी जो वुडन का ब्लॉक रखा है उसका मास कितना है पाँच किलो और उसकी जो डायमेंशन है वो है फोर्टी सेंटीमीटर इंटू ट्वेंटी सेंटीमीटर इंटू टेन सेंटीमीटर ये उसकी डायमेंशन देनी है अब हमें बताना है फाइंड द प्रेशर एग्जाइटेड बाई दुडन ब्लॉक ऑन द टेबल टॉप इट इज़ मेड टू लाई ऑन द टेबल टॉप विद इट साइड्स ऑफ डायमेंशन अगर हम उसको इस डायमेंशन में रखें और अगर इसको इस डायमेंशन से रखें तो कितना प्रेशर वो लगाएगा टेबल टॉप के ऊपर यह हमें बताना है तो लेटेस्ट कंसिडर सिनारी नंबर वन टेबल टॉप है इसके ऊपर वो क्या कह रहा है कि किस तरह से रखा हुआ है विथ साइड्स ट्वेंटी सेंटीमीटर एंड टेन सेंटीमीटर तो सपोज कुछ इस तरह से रखा हुआ है कि ये टेन ये ट्वेंटी सेंटीमीटर की साइड है ये टेन सेंटीमीटर की साइड है ठीक है so, सो कुछ इस तरह से रखा हुआ है, ट्वेंटी एंड टेन तो करंटली कौन कौन सी साइड्स टेबल टॉप के ऊपर हैं? साइड्स ऑफ ट्वेंटी एंड टेन सेंटीमीटर आर लाइंग ऑन टेबल टॉप ठीक है अब देखते हैं कि इसमें हम प्रेशर कैसे निकालेंगे अब प्रेशर क्या है प्रेशर है थ्रस्ट ओवर एरिया एरिया हम निकाल सकते हैं हमारे पास दो साइड्स हैं ट्वेंटी और टेन और थ्रस्ट क्या होता है फोर्स कितनी फोर्स लग रही है फोर्स क्या होती है फोर्स इज नथिंग बट मास इनटू एक्सन डू टू ग्रेविटी अब मास कितना दिया था वुडन ब्लॉक का मास हमें किवन है फाइव के जी सो फाइव इंटू जी कितना होता है नाइन पॉइंट एट सो फाइव इंटू नाइन पॉइंट एट डिवाइडेड बाई एरिया अब देखो एरिया कितना है एरिया है ट्वेंटी और टेन साइड्स हैं तो ट्वेंटी इंटू टेन सिंपल बट ये किवन है सेंटीमीटर में ठीक है सो ट्वेंटी इंटू टेन सेंटीमीटर के अंदर गिवन है हमें तो so, ये हो गया टू हंड्रेड सेंटीमीटर स्क्वायर, फिर जब हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो टू मीटर स्क्वायर ठीक है सो एरिया देखो कैसे निकाला हमने ट्वेंटी सेंटीमीटर इंटू टेन सेंटीमीटर कितना आ गया टू हंड्रेड सेंटीमीटर स्क्वायर, फिर जब इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा जीरो पॉइंट ज़ीरो टू मीटर स्क्वायर सो द प्रेशर इज़ फोर पॉइंट सॉरी फोर्टी नाइन अपॉन जीरो पॉइंट जीरो टू सो दिस विल कम आउट टू बी टू फोर फाइव जीरो न्यूटन मीटर स्क्वेयर ठीक है सो दिस इज दंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट में कह दी कि वन एम सेकेंड पार्ट में आप ये कह रहा है कि जो टेबल टॉप के ऊपर है अब उसकी साइड्स कौन कौन सी हैं फोर्टी और ट्वेंटी वाली सो सपोज फोर्टी वाली साइड है और ट्वेंटी वाली साइड है सो फोर्टी एंड ट्वेंटी सो ये दो साइड्स हैं जो टच हो रही हैं तो अब प्रेशर कितना आ जाएगा फोर्स कितनी है फोर्स तो सेम रहेगी फोर्टी नाइन बाय बाई अब एरिया कितना हो गया एरिया हो गया 20 ट्वेंटी इंटू फोर्टी दैट मीन्स एट हंड्रेड सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर अगर सो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा जीरो पॉइंट जीरो एट मीटर स्क्वायर तो ये कितना आ गया जीरो पॉइंट जीरो एट और फोर्टी नाइन को जब आप इससे डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा सिक्स वन टू पॉइंट फाइव न्यूटन मीटर स्क्वेर सो दिस इज आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट ठीक है सो दीज आर दंसर ऑफ दिस क्वेश्चन तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रेशर इन फ्लूड अब जैसे सॉलिड प्रेशर अप्लाई करता है किसी भी सरफेस पे उसके वेट की वजह वे से ऐसे ही जो फ्लूड्स हैं चाहे वो लिक्विड हो चाहे गैस हो उनका भी अपना वेट होता है सो द फ्लूड्स ऑल्सो एक्जर्ट्स प्रेशर ऑन द बेस एंड वॉल्स ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर इन्क्लोज अब देखो होता कैसे है देखो सपोज ये कंटेनर है जिसके अंदर आपने कुछ लिक्विड भरा हुआ है अब ये फोर्स लगाएगा वॉल्स पे भी इधर भी और इसके बेस पे भी सो दिस इज प्रेशर इन फ्लूड्स नेक्स्ट टॉपिक इज बिय बीओनसी क्या होती है बियंड फोर्स क्या है इट इज़ द टेंडेंसी इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ ए लिक्विड टू एग्जर्ट एन अपवर्ड फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन इट अब सपोज करो देर इज एरिया ये एक कुछ एरिया है जहाँ पे पानी है और इसमें हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है लेटस से दिस इज दब्जेक्ट जो इस पानी के अंदर है ठीक है तो ये एक ऑब्जेक्ट है पानी के अंदर अब सबसे पहली बात तो आपको पता है कि ड्यू टू ग्रेविटी देर विल बी अ डाउनवर्ड फोर्स एक डाउनवर्ड फोर्स होगी क्यों ग्रेविटी की वजह से सो दिस विल बी द डाउनवर्ड फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी बट एक बियॉन्ड फोर्स भी होती है जो पानी लगाता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे इन दी अपवर्ड डायरेक्शन इन द अपवर्ड डायरेक्शन दिस इज वट द बॉन्ड फोर्स सो बियसी यही होता है इट इज दसी पानी की टेंडेंसी है कि वह किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाती है इन दी अपवर्ड डायरेक्शन वट इज द बियॉन्ड फोर्स जैसे कि मैंने कहा कि बियड फोर्स क्या है अपवर्ड फोर्स है तो इट इज एन अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इमर्ज इन लिक्विड एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अपथ्रस्ट इसको अपथ्रस्ट भी बोलते हो क्योंकि ऊपर की तरफ फोर्स लग रही है ना इट इज़ द बियॉन्ड फोर्स इट इज द बियॉन्ड फोर्स विच मेक्स द हैवी ऑब्जेक्ट सीम्स लाइटर इन वाटर अब होता है क्या है कि पानी में अगर आप कोई भारी चीज़ को लेके जाते हो तो आपको लगता है कि वो हल्की है ऐसा क्यों होता है बियड फोर्स की वजह से अब देखो किसी भी चीज़ का जो वेट है वो क्यों होता है क्योंकि हम क्योंकि यार पुल कर रहा होता है अपने नीचे की तरफ अब अगर सपोज करो किसी भी एक था इसको लेटेस्ट से थाउजेंड न्यूटन की फोर्स से नीचे की तरफ पुल किया जा रहा था या इसका वेट था नीचे की तरफ पुल कर रहे थे बट देर इज एन अपवर्ड फोर्स जो है अराउंड एट हंड्रेड की तो जो इसका इफ़ेक्टिव वेट हो गया वो हो गया थाउजेंड माइनस एट हंड्रेड यानी टू हंड्रेड यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट था जो बहुत भारी था वो अब हल्का लगने लगा सो दिस इज अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ बियॉन्ड फोर्स अब ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इस बियॉन्ड फोर्स को अफेक्ट करते हैं सो बेसिकली देर आर टू सच फैक्टर्स वन इज द वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट इमर्स इन लिक्विड मतलब जो पानी के अंदर ऑब्जेक्ट है उसका वॉल्यूम क्या है और ये इससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ठीक है सेकंड इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड सेकंड इज डेंसिटी ऑफ द लिक्विड लिक्विड की डेंसिटी क्या है एंड इट इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सो इज इंपॉर्टेंट एक तो वॉल्यूम और एक डेंसिटी ठीक है बच्चों अगला टॉपिक है आर्केमिडीज़ का प्रिंसिपल अब आर्केमिडीज़ ने क्या कहा था कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज होली और पार्शली इमर्स इन ए लिक्विड इट एक्सपीरियंस एफ पॉइंट फोर्स जो हम पढ़ चुके हैं कि अगर पानी में आप कोई ऑब्जेक्ट डालोगे तो उस पर एक अपवर्ड फोर्स लगेगी जिसको हम बोलते हैं बॉइंट फोर्स विथ Which is equal to the weight of the liquid डिस्प्लेड displaced by the object. अब जो बियड फोर्स लग रही है उस कितनी लग रही है जो बियड फोर्स लग रही है जो अपवर्ड फोर्स लग रही है ये लग कितनी रही है ये भी तो पता होना चाहिए तो आर्कमेडिस ने कहा था कि ये कितनी होगी जितना वेट लिक्विड का डिस्प्ले, डिस्प्लेस्ड करेगा वो ऑब्जेक्ट मतलब कि सपोज ये एक बीकर है और इस बीकर में कुछ पानी हम ले लेते हैं सो दिस इज दी लिक्विड और वाटर और इसके अंदर हमने एक ऑब्जेक्ट डाला ये तो जब आप ये ऑब्जेक्ट को डालोगे तो कुछ पानी इस बीकर से बाहर आ जाएगा डिस्प्लेस्ड हो जाएगा अपनी पोजीशन से तो जो इस पर फोर्स लग रही है बियॉन्ड फोर्स वो कितनी लगेगी अकॉर्डिंग टू आर्कोमिडिस प्रिंसिपल इट शुड बी इक्वल्स टू द वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड मतलब जो बाहर निकल गया मतलब जो पानी बाहर आ गया इस बीकर से उसका जो वेट होगा वही बाउंड फोर्स के बराबर होगा तो ये आर्कमेडिस ने कहा था ये आर्कोमेडिस का प्रिंसिपल था ठीक है सो नाउ वी विल सी द एप्लीकेशंस ऑफ आर्कोमेडिस प्रिंसिपल कुछ एप्लीकेशन्स हैं आर्कोमेडिस प्रिंसिपल की सबसे पहला है तो है फाइंडिंग द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ एन सब्जेक्ट फाइंडिंग रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस किसी भी सब्सटेंस की अगर रिलेटिव डेंसिटी आपको फाइंड आउट करनी है तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल का यूज़ होता है देन इसका यूज था हाइड्रोमीटर्स के अंदर इसका यूज किया गया था लेक्ट्रोमीटर्स के अंदर इसका यूज था एंड फाइनली शिप्स और सबमेन के डिजाइन में भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है सो दिस इज अबाउट द आर्कमेडिस प्रिंसिपल सो नाउ दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर ग्रेविटेशन ग्रेविटेशन का जो एन सी आर टी बुक का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंगली दिस इज द लास्ट टॉपिक ये है डेंसिटी अब डेंसिटी हमें पता है क्या होती है इट इज़ मास ओवर वॉल्यूम ठीक है और इसका ऐसा SI यूनिट क्या हो जाएगी अगर मास की कितनी होती है ऐसा यूनिट के जी वॉल्यूम की कितनी होती है मीटर क्यूब सो डेंसिटी की होगी के जी पर मीटर क्यूब अब बात आती है कि रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है नाउ इट इज़ द रेशियो ऑफ़ दिस सब्सटेंस डेंसिटी जो आपने डाला है पानी के अंदर टू डेट ऑफ वाटर जैसे कि फॉर्मूले में है इट इज़ द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर तो ये होती है रिलेटिव डेंसिटी का फार्मूला अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि एग्जाम्पल टेन पॉइंट सेवन एन सी आर टी का और ये पेज नंबर वन फोर्टी टू के ऊपर है सो so, क्वेश्चन क्या है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर इज टेन पॉइंट एट रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर इज टेन पॉइंट एट द डेंसिटी ऑफ वाटर इज टेन टू द पावर थ्री के जी पर मीटर क्यूब नॉ वट इज द डेंसिटी ऑफ सिल्वर इन एस आई यूनिट सो जैसे कि हमें पता है कि रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस जैसे यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है सो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाई द डेंसिटी ऑफ वाटर अब रिलेटिव डेंसिटी हमें गिवन है कितनी गिवन है टेन पॉइंट एट सो टेन पॉइंट एट इज़ इक्वल्स टू ये हमें फाइंड आउट करनी है मैं कर सो मैं इसको लिख देता हूँ डी डेंसिटी ऑफ वाटर हमें गिवन है टेन टू द पावर थ्री ठीक है सो डेंसिटी ऑफ सिल्वर कितनी आ गई सपोज यहाँ पर चलो मैं सिल्वर लिख देता हूँ इसको टेन पॉइंट एट इंटू टेन टू द पावर थ्री के जी मीटर क्यूब तो ये डेंसिटी ऑफ सिल्वर है ठीक है सो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं सो so, स्टूडेंट्स हमने इस पूरे वीडियो लेक्चर में चैप्टर टेन सॉरी जो चैप्टर है ग्रेविटेशन का उसको सॉल्व किया है एंड दिस इज़ द चैप्टर टेन ऑफ योर एन बुक जितने भी सॉल्व एग्जांपल्स थे उन सब को भी एक बार देखा कि कैसे कहे जाएंगे ताकि आपको जो कॉन्सेप्ट है टॉपिक है वो ईज़िली समझ में आ जाए अब इसके अगले वीडियो से मैं इसके जो अनसॉल्व एक्सरसाइजेज़ हैं एन की एक एक करके उसको सॉल्व करना शुरू करूँगा सो so, आप इन वीडियोज़ को देखते रहिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट मिलती रहे सो so, इस वीडियो में इतना ही अब मिलते हैं अगले वीडियो में